सबसे पहले सही और सटीक खबरों के लिए अभी डाउनलोड करें मिरर मीडिया ऐप। मैं भी मौजूद हूँ राजधानी रांची के धुरवा स्थित हटिया डैम के पास। मैं आपको बता दूं कि इस डैम से राजधानी रांची की आधी राशि की जलापूर्ति की जाती है, लेकिन इस बार अप्रैल से लेकर अभी तक इस डैम का पानी सूख चुका था। लगभग पिछले 15 दिनों पहले हमारे मीटर मीडिया के द्वारा खबर भी दिखाई गई थी कि जो स्केलिंग था वो काफ़ी नीचे चला गया था, 8 पर पहुँच चुका था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से 19 पर पहुंच चुका है, जो कि ये बहुत सुखद खबर है। हालांकि इस इलाके में भारी बारिश होने के कारण पानी का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। और अगर बात की जाए, यहाँ के अधिकारी थे कुछ दिनों पहले काफ़ी परेशान थे कि अगर इस बार पानी एकदम पूरी तरह से सूख जाएगी तो राजधानी रांची में जो पानी का है वो काफ़ी किल्लत हो जाएगा। राशनिंग 2 दिन की जाती थी, मोहल्लों में पानी की राशनिंग कम होती थी, लेकिन अभी वाटर लेवल बढ़ जाने के कारण सुखद ये खबर है कि पानी का लेवल बढ़ गया है, पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। अधिकारी परेशान थे और उनका ऐसा मानना था कि अगर ये पानी सूख जाएगी तो आधी आबादी का जीवन माना गया है इस धुरवा डैम को। तो पानी सूखने के कारण लोग टेंशन में थे, तनाव में थे कि पानी की राशनिंग कम हो जाएगी, लेकिन एक अच्छी खबर है कि पानी की जो लेवल है आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं पहुंच चुका है, 19 पर आ गया है, तो पानी की किल्लत अभी नहीं होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 1962 में बनी हुई ये जो हटिया डैम है ये सबसे स्वच्छ डैम में से माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक भी नाला आकर नहीं गिरता है। HEC की जो प्लांट है इस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए उस समय बनाई गई थी ये डैम। हालांकि आधी रांची को अभी यहाँ से पानी की सप्लाई की जाती है, और भी डैम है जिसमें एक आध दो नाले होंगे, लेकिन इसमें एक भी नाला नहीं गिरता है, सबसे शुद्ध पानी माना जाता है हटिया डैम का। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जल स्तर कब तक यूं ही बना रहता है या फिर और अधिक बढ़ सकता है। सहयोगी जयंत कुमार के साथ रंजना कुमारी, मिरर मीडिया, रांची।